तो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 8:30 और मैं नहा ली हूँ, पूजा वूजा कर ली है और अभी मैं बना रही हूँ पोहा। इधर मैंने ऑयल रख रखा है, प्याज मैंने कट कर ली है, अभी टमाटर और कट करूँगी। बस मैं अपने लिए ही बना रही हूँ और बाहर मौसम मस्त वाला हो रहा है, बाहर निकला नहीं जा रहा, एकदम धूप हाथ में आ रही। तो चलिए अभी काम कर लेते हैं। मैंने अपने बालों को ऊपर बांध रखा है यार, गर्मी लगने लगी और इतनी तेज़ गर्मी हो गई। कल रात को तो एसी चलाई थी, थोड़ी चलाई थी, ज़्यादा देर नहीं चलाई, बट गर्मी होने लगी अब, क्योंकि आपको पता अभी 13 अप्रैल होगी शायद, 13 या 14, तो गर्मी तो होनी है। तो चलिए काम कर लेते हैं। किचन वो ऐसे ही फैली पड़ी, अभी गए हैं बच्चे कॉलेज, तो उसके बाद अब बस मेरे को घर का काम ही करना है अपना। तो चलिए फिर मिलते हैं। तो अभी सुबह का टाइम है और मैं बना रही थी अपने लिए चाय, और उधर पोहे बनाने लग रही थी। तो चाय है ये मेरी बन रही है आज, ये जिस जिसको पीनी है वो। और इधर मैंने मूली थोड़ी बॉईल करके रख दी है, मूली के पराठे बनाऊंगी और थोड़ा ये लस्सी है, मूली की कढ़ी बनाऊंगी। इसमें मैंने बेसन मिक्स करके रख दिया था, तो पहले पराठे बना दूंगी और सुमित खाएगा पराठे तो मूली के, और मैं अपने लिए भी देखती हूँ बनाती हूँ या नहीं अब। और फिर ये देखो हाथ मेरा थोड़ा मतलब ठीक हो चुका था अब, तो ये जो ब्लैक ब्लैक है ये सारा उतरेगा, ये जला हुआ ही है, इस पर छाले नहीं आए ना, ये तो ब्लैक हो रहा है और ये ज़्यादा स्किन निकल रही है, ज़्यादा जल गया था। तो अभी कढ़ी है वो मैंने तड़का नहीं लगाया, तड़का बाद में लगाती हूँ मैं, अभी इसको ये थोड़ा लगा दिया, मतलब ऊपर से लगाऊँगी अलग से। और ये मेरे पास मलाई रखी थी तो 2-3 दिन की, तो उसी का घी बनाया है, और घी बनाना मेरे को सबसे गंदा लगता है, उसमें हाथ डाल के निकालना बट निकालना पड़ता है, क्या करें। और ये लस्सी बनी है इसकी, तो अभी मैंने कुकर में और मूली रखी हुई थी पहले, और ये नेक्स्ट डे है, नहीं उसी दिन का, सॉरी इवनिंग का है, और उसी इवनिंग को बनाई थी मैंने पत्ता गोभी की सब्जी। पत्ता गोभी लेके आए थे और मटर तो अच्छे नहीं लग रही, पता नहीं ऐसे पके पके आ रहे, तो मटर नहीं मंगवाए मैंने, सिर्फ पत्ता गोभी टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी। और इसको मैंने गैस पर ही बनाया था, आज इंडक्शन पे बनाती हूँ, बट आज मैंने गैस पे ही चढ़ा दिया, लाइट नहीं थी उस दिन। ओ अभी मैं तड़का लगा रही हूँ, टमाटर डाल दिए, हरी मिर्ची डाल दिए, और अभी एक साइड मैंने पोहे हैं वो बॉईल करके रख रखे, सॉरी पोहे नहीं पास्ता बॉईल करके रख रखे हैं, और अभी मैं लगा रही थी आटा। तो बस सुबह का टाइम था, एक बार ये आटा तो सुबह के टाइम में ही मैं लगा के छोड़ देती हूँ, मतलब एक बार भिगो के छोड़ देते हैं ना, फिर उसको अच्छे से लगाते हैं तो अच्छा वाला लगता है। तो बस इसीलिए अब बस आटे को मैं भिगो देती हूँ। और खाना तो मतलब सुबह एक बार ही नाश्ता बनाते हैं तो ताज़ा आटा लगाना ही पड़ता है, उसके बाद तो बस फिर दोपहर में इसी आटे की बना लेते हैं, दोनों टाइम का लगा लेते हैं, नाश्ते का और दोपहर का। और ये मैंने न्यू टी शर्ट डाली थी, अरे ये बिल्कुल बजरंग बली वाला कलर है, मेरे को थोड़ा अजीब सा लगा, पहन तो लिया मैंने। और अभी शाम का टाइम है, रात का टाइम है, सॉरी नाइट का टाइम है, खाना पीना मैंने सारा बना लिया था, और बस एक बार ही रात को पूरी गैस पे ये डिश वॉश से क्लीन करती हूँ। वैसे दिन में देखो कपड़ा मार लेती हूँ सिंपल, लेकिन दिन में नहीं डिश वॉश से करती, बस नाइट के टाइम इस पर एक बार ये लगा के और फिर कपड़े से 2-3 बार सफाई कर देती हूँ, तो बिल्कुल मतलब इस पर चिकनाहट नहीं रहती, और इनको बिल्कुल धो के साफ वॉश करके रख दूँगी साइड में। ये बिल्कुल चमक जाती है, मतलब इस पर कितना भी देखो दिन में कम से कम भी 6-7 बार ही कपड़ा लगता होगा गैस पे, लेकिन फिर भी पता है थोड़ा थोड़ा मतलब चिकनाई सी अलग से ही दिखती है। तो मैं तो बस एक बारी शाम शाम को साबुन से लेकर इसको ऐसे वॉश कर लेती हूँ, इस पर अब 3-4 बारी कपड़ा घुमा दूँगी तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, मतलब वो चिकनापन नहीं रहेगा इसमें, बिल्कुल ऐसे वाइट वाइट हो जाएगी, मतलब क्लीन हो जाएगी। अभी एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा था तो एक हाथ से वॉश करिया, फिर उसको रख के अच्छे से वॉश करके लेके आई। और ये देखो ये उस दिन जो मेरी देवरानी आई थी ना, उसने इधर वाले गैस पे रख दिया था और उसको ध्यान नहीं रहा, ये तो बिल्कुल पास नहीं थी इसके, इसकी गैस की पाइप, तो ये थोड़ी सी मतलब जो तवा रखा था उसके लिए तो ये मतलब जली तो नहीं, और ये छोटी हो गई क्योंकि उस दिन मैंने इसको कट कर दिया था, ये पीछे से आई थी उस दिन भी, तब ये छोटी हो गई, बिल्कुल चिमनी के जस्ट नीचे नहीं आई। तो अभी इसको क्लीन कर दिया है बस, और ये जितना भी है कचरा ये डाल के रख दूंगी बाहर डाल के आऊंगी। और
और मेरी किचन है वो ऑलमोस्ट सारी क्लीन हो चुकी है, और एक सुकून सा मिलता है सुबह उठते हैं जब देखते हैं किचन को तो बिल्कुल साफ़ हो जाती है, बस साफ़ सुथरी मिलती है। तो और वैसे अगर कभी मतलब तबीयत भी ख़राब होती है तो ऐसे ही किचन पड़ी रहती है ना, तो सुबह थोड़ा मूड ऐसे ही हो जाता है कि अभी किचन को समेटना है, ये समेटना है, वो समेटना है, तो लगा ही रहता है बस इसीलिए। और इसके नीचे से भी डेली मैं इसको उठा के साफ़ कर देती हूँ तो बिल्कुल क्लीन ही रहता है नीचे से, गैस के नीचे से भी पता है आपको, मतलब छोटे आते तो नहीं लेकिन जहाँ अनाज गिर जाता है रोटी बनाते हैं तो फिर है ना थोड़ा थोड़े छोटे मोटे कॉकरोच वगैरह आने लगते हैं। तो अभी किचन है वो देखो ऑलमोस्ट मेरी क्लीन हो चुकी है, और अभी बनाऊंगी मैं कॉफ़ी। दूध रखा है थोड़ा क्योंकि खाना तो खाया था बट थोड़ा ऐसे ही मन हो रहा है तो ये थोड़ा दूध रख लिया था मैंने। और ये आजकल इसी के अंदर रखती हूँ मैं, सारी चीज़ें आ जाती है। मेरे पास रखा हुआ था स्नैक्स का एक डब्बा तो इसी को मैंने साफ़ करके और इसके अंदर ये मतलब दोनों तीनों जूने आ जाते हैं और साबुन आ जाते हैं तो इसको उठा के फिर रख देती हूँ। एक बार दिन में इसको वॉश कर लेती हूँ, जो भी साबुन का पानी या साबुन इसके अंदर डलता है वो निकल जाता है। और इनको भी मैंने वॉश कर लिया, साइड में रख दिया, और ये कचरा ये बाहर डस्टबिन में डाल के आऊँगी और ये सूख जाएंगे, इनको सुबह ही लगाऊंगी। अब तो कोई काम नहीं है गैस के ऊपर तो क्या करना है। बस किचन मेरी ऑलमोस्ट साफ़ हो चुकी है, और सॉरी बीच बीच में मैसेज आ रहे हैं उसके लिए। तो ये देखिए मेरा किचन बिल्कुल क्लीन हो चुका है, सिंक को भी मैंने साफ़ कर दिया है सारा साबुन वाबुन डाल के। इसके ऊपर ये चुनरी लगा दिए क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी है ना वो जमती है, तो इसीलिए बस इसके ऊपर ये डाल दिए, सूती चुनरी है ये। और आज इसको भी वॉश किया था, पता नहीं ये रेड वाली चींटी कहाँ से आ रही है इसके अंदर, तो वो रोटी वगैरह निकाल दी थी, इसका कपड़ा निकाल के इसको वॉश कर दिया। और ये कुछ सब्जियाँ हैं अभी लेके आए थे अंजलि के पापा, कैरी टमाटर हैं, थोड़ी भिंडी है, और ये कद्दू या पेठा जो भी बोलते हैं वो हैं, और नींबू लेके आए हैं। तो अभी इनको वॉश करूँगी और फिर इनको रखूँगी वॉश करके, थोड़ा पानी निकल जाएगा तो फ्रिज में लगा दूँगी। तो अभी सब्जी है वो मैंने सारी वॉश करके रख दी है, और काम तो पता है कुछ भी रात हो जाती है बट काम खत्म नहीं होता। इधर मैं बना रही हूँ कॉफ़ी। तो ये था छोटो सब लोग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कॉफ़ी पीनी है वो आज ही, अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।